सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन के पास परेड ग्राउंड के सामने बुधवार दोपहर 3:35 बजे गोलियां मारकर जींद निवासी 26 साल के तेजिंदर सिंह की हत्या कर दी गई थी। तेजिंदर के साथ उसका जानकार टैक्सी ड्राइवर संदीप खड़ा था। आरोपियों ने उसे भी गोली मारी, लेकिन संदीप बच गया। पीजीआई में उसका इलाज चल रहा है। उधर गुरुवार यानी कि आज सेक्टर 16 अस्पताल में मृतक तेजेंद्र पाल सिंह का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम होने के बाद तेजेंद्र पाल सिंह की डेड बॉडी को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस भी अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में जुट जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस आरोपियों के नजदीक पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त उन्हें दबोच सकती है। बता दें कि बुधवार को तेजिंदर और उसके दोस्त संदीप को गोली मारने वाले 4 लोग बेखौफ आए। वहां 26 साल का जींद निवासी तेजिंदर गिरा हुआ था, जबकि संदीप के भी गोली के छरे लगे हुए थे। पुलिस तुरंत दोनों को पीजीआई ले गई। यहां डॉक्टरों ने तेजिंदर को मृत घोषित कर दिया, जबकि संदीप को भर्ती कर लिया। तेजिंदर के शरीर पर 2 अलग अलग गन से कुल 5 गोलियां चलाई गई थी। गोलियां चलाने के बाद उन्होंने ऑटो स्टैंड पर जाकर जबरन ऑटो लिया। आए ऑटो में बैठी महिला को निकाला और ऑटो पर ही फरार हो गए। पुलिस को इस कत्ल के पीछे पुरानी गैंगवार लग रही है और उसी के चलते यह कत्ल हुआ। शक घायल संदीप पर भी है। पुलिस को शक है कि उसी के जरिए आरोपियों को तेजिंदर की लोकेशन का पता चला। क्योंकि तेजिंदर कहाँ है उसकी जानकारी सिर्फ संदीप को ही थी, इसलिए पीजीआई में घायल संदीप पर पुलिस का पहरा है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उससे पूछताछ होगी। भाई के कत्ल का था शक, इसलिए चलाई तेजिंदर पर गोलियां। पुलिस को शक है कि यह कत्ल गैंगवार के कारण हुआ। जींद के नरवाना शहर में अप्रैल महीने में मोहित मोर का कत्ल हुआ था। तेजिंदर उर्फ मल्ली को इस कत्ल का 4 अन्य युवकों के साथ आरोपी बनाया गया था। मोहित का भाई विकास मोर उर्फ बॉक्स इस कत्ल का बदला लेना चाह रहा था। इसी के चलते कत्ल में तेजिंदर के साथ आरोपी बनाए गए मनीष और जसवंत की विकास मोर ने 14 अगस्त को हरियाणा में गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इसी के चलते पुलिस को शक है कि बुधवार को विकास मोर ही चंडीगढ़ आया और तेजिंदर की हत्या की।